सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कॉलेज में और आज हमारा कुछ कंपटीशन है मैं और रोहन। हाँ क्विज मीनिया मैं और रोहन एक ही टीम में है और शम्स जो है उसी सोसाइटी जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज करवा रही है ना एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर है तो वो नहीं प्ले कर वो खेल नहीं रहा मतलब वो हमारे साथ और हम दोनों खेलेंगे भी। हाँ वो मैंने उससे कह दिया हमें क्वेश्चन भेज दिया। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है तो चलो अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है इतना हम ऐसे हाँ घूम रहे हैं थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं हमें वैसे भी सब कुछ आते ही है क्या ही पढ़े हम। अरे अरे और ये हमारे मेंबर हैं ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है क्या नाम तो बता अपना नाम। मेरा नाम प्रिंस है। हाँ कौन सा कोर्स है तेरा ये तो बता। मेरा कोर्स बीकॉम ऑनर्स है फोटो तो साफ ले ले। अरे यार ये तुमने कर अब आ रही है बारी है। मेरा कोर्स बीकॉम ऑनर्स है फर्स्ट ईयर में है ये। हाँ और सब बढ़िया चल रही है पढ़ाई बढ़िया चल रही है एकदम। ओके ओके चलो चलो मिलते हैं। ओके उसने बताया था मुझे जो वो था ना वहाँ पे अभी हमने कंपटीशन में कंपटीशन हो गया मतलब सेकंड राउंड नहीं हुआ अभी फर्स्ट राउंड हुआ है सेकंड राउंड अभी होगा और मुझे लगता नहीं हमारा सिलेक्शन हो पाए है भाई क्योंकि नहीं क्योंकि पता है क्या हमने भाई इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की नहीं थी हमें लगा था क्वेश्चन इजी आएंगे मतलब इजी थे थोड़े बहुत बस जो नहीं पढ़े वो ये जो नहीं पढ़ा था ना वो चीज़ आ गई और जो पढ़ी थी वो नहीं आई तो देखते हैं चलो अभी वेट करते हैं रिजल्ट्स आने का फिर सेकंड राउंड में देखते हम जाएंगे या नहीं अभी तो क्लास का टाइम है वहाँ चलते हैं। इज अ सायरन ऑफ डूम्सडे फॉर मैनकाइंड तो वो दिख रहा था कि एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि आप आई डोंट नो मेरे को लगता है आपने देखी नहीं होगी नया दौर एक मूवी आई थी 1957 में उसमें यही था कि आप टांगे से जा रहे हैं और जो विलन था वो बस लेके आया कि हम मोटर गाड़ी से जाएंगे और वो जो चेंज था ना वो सोसाइटी बचा नहीं पा रही थी उसको विलन दिखाया जो बस लेके आ रहा था और जो पुरानी जड़ों से जुड़ा हुआ था उसको हीरो दिखाया तो ये थोड़ा सा हम वी आर एवर्स टू चेंज वो तो है लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल चेंज हुआ है टेक्निकल प्रोग्रेस हुई है तो वो हमेशा प्रोडक्टिविटी के लिए और इवन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फायदेमंद ही रहा है हमेशा। सेकंड राउंड के रिजल्ट वो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आ गए और हम बहुत खुशी खुशी उसमें आगे नहीं जा पाए। हाँ यार उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ सेकंड राउंड के लिए जो फाइनल राउंड था बट चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम और बेटर ट्राई करेंगे क्योंकि हमारी तैयारी मतलब थी बट इतनी अच्छी नहीं थी और पार्टिसिपेंट्स काफ़ी अच्छे थे तो चलो अभी देखते हैं अभी तो यार ये अंधेरा क्यों जाता है क्लास का टाइम हो गया अभी तो वहाँ पर चलते हैं फिर। तो गाइस अभी सारी क्लासेस वगैरह हो गई हैं हमारी अब निकलते हैं घर के लिए और कुछ है नहीं अभी तो निकलते हैं बस। और गाइस यहाँ पर अभी कंपटीशन चल रहा है देखो नुक्कड़ नाटक का डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से आए हुए हैं नुक्कड़ नाटक करने के लिए देखो सारी भीड़ लगी हुई है ना। और गाइज अभी मैं आ चुका हूँ कॉलेज से और आज तो भाई बस पूछो मत इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना मतलब बहुत गर्मी थी भाई आज अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है बस पूछो मत। तो चलो अभी मैं अपना असाइनमेंट करता हूँ और इतने दिन से ब्लॉग्स भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे बिकॉज मैं असाइनमेंट्स में थोड़ा बिजी था अपना इसी वजह से और क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना मेरे तो असाइनमेंट और पेपर वर्क वगैरह इसी में मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इस वजह से ब्लॉग्स नहीं आए। तो चलो अभी मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा थोड़ी मतलब दो एक दो दिन करके व्लॉग्स में डालने की कोशिश करूँगा। तो चलो अभी अभी कॉलेज से आ गया हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपने असाइनमेंट में ही लगूँगा मैं। और गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी हम खा रहे हैं समोसे भाई गली में ही समोसे वाले आते हैं ना भैया बेचने तो वही लिए अभी हमने 2 रुपये का एक समोसा है ये 5 रुपये का एक है चलो खा। तो चलो अब खाते हैं भाई समोसे टेस्टी वाले 5 रुपए का एक है। ओके
और गाइस देखो यहाँ पर अभी इतने कवर चढ़ चुके हैं ये कन्नू के, क्योंकि चढ़ी कहाँ है, अभी तो एक ही चढ़ा है, ये भी चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया। और यहाँ पर ये देखो ये अभी ये नई क्लास में गई है, तो इसकी कॉपियों पे कवर चढ़ा रही है मम्मी। मम्मी बचपन से अपने यही काम कर रही है। तो तूने क्यों नहीं सीखे, तू खुद चढ़ाए कर। मम्मी मेरी हेल्प कर रही है। अच्छा चढ़ा तो मम्मी रही है, तू तो बस खाली लिख रही है उनपे नाम अपना। पहले गाइस हम भी चढ़ाते थे ऐसी कवर, नई नई क्लास में जाते थे जब। भाई कह रहे हैं मेरे तो 10th क्लास का कवर ही नहीं चढ़ाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ तो 10th क्लास में कौन चढ़ाता है। और देखो कितनी सारी चीटे रखी हुई है, उस टाइम पे तो शौक होता था, चीटे भी बढ़िया बढ़िया वाली लगाते थे। डैडी मेरे लिए फार्मी वाली चीट लाए। सही है चले कर ले। और गाइस देखो ये क्या कर रखा है इसने, ये पूरा यहाँ से बिल्कुल ये रजिस्टर था देखो इसका पुराना, और ये और ये काट के इनने, देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से काट के और देखो यहाँ चिपका दिया। अब तेरी मैडम देख लेंगी ये, वो कहेंगी कनिष्का इतनी मेहनत नहीं कर सकती थी, दोबारा बना लूँ पुरानी कॉपी पे से काट के। देखो इस पर चिपका दिया, एक साल बाद इसका भी यही हाल होना है। सही बात है, देखो ये लिखा है इन्होंने संस्कृत में, संस्कृत की कॉपी है ना ये। अच्छा तो इस पर मंत्र लिखा है, ओम श्लोक है, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो ये मंत्र वही तो हुआ, ये मंत्री तो है ना। ये श्लोक पढ़ के एक बार कह रही थी 9th में, तुम ऐसा मानते भी हो टीचर्स को। कह देती हूँ और क्या मैम, देखो इनने ऐसे कर रखा है, और कॉपीज पे भी करा होगा फिर तो जरूर है ना, मैप वैप लगा लिएगी पुराने ही। तो चलो गाइस अब श्लोक को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक लिपा बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।